तो फ्रेंड्स, सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर फिर से मैं रेड हैट लिनक्स का एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर विंडो 10 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैं आपको वर्चुअल मशीन में बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे मैं वर्चुअल मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हो, और वर्चुअल मशीन स्टार्ट करने के बाद मेरा विंडोज़ अपने सिस्टम की जगह पर मैं अब देखिए लिनक्स स्टार्ट हो चुका है। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये लिनक्स ऑपरे सिस्टम वर्चुअल मशीन के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि वर्चुअल मशीन के अंदर आपको स्टार्ट करना है विंडोज़ के अंदर लिनक्स ऑपरे सिस्टम को सीखने के लिए, या फिर आपको विंडोज ऑपरेट सिस्टम हटा देनी है पूरी परमानेंटली और लिनक्स ऑपरेट सिस्टम अपनी इंस्टॉल की है, तो सेम एज इट इज ऐसा ही ओपन होगा। ओके, क्योंकि वर्चुअल मशीन एक ऐसा सिस्टम है कि एक तरह का एक कंप्यूटर ही होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी 10 वीडियो इसके पहले की बनाई हुई है और ये इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब कुछ बता दिया था। रेड हैट लिनक्स उसके अंदर थोड़ा सा आप देख सकते हो कि यहाँ पर 25% थियोरी थी। ओके, वो इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो चुका है, और जैसे कि मैंने कहा कि रूट यूज़र जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और रूट का जो इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है मीन्स ये रूट यूज़र है, तो इसका स्पेलिंग देख लेना सेम, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है। मतलब कि अगर आपने रूट का कैपिटल आर लिखा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नेक्स्ट करूँगा और मुझे वो पासवर्ड एंटर करना है रूट यूज़र का, जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की थी। ओके, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है, वो देखिए पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। ओके, मैं साइन इन करता हूँ, और आप देख सकते हो कि जो वर्चुअल मशीन का मेरा ड्राइवर है अब वो फुल स्क्रीन मोड पर मुझे ले जाएगा। ओके, तो ड्राइवर को किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना है, वो वीडियो जाकर देखिए तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो आज जो हम सीखने वाले हैं ये बुटान है, जिस तरह से आप देख सकते हो कि लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन स्टार्टअप हम सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्ले लिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल। ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया और साइट पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा डेस्कटॉप है। ओके, तो आपको पता ही होगा तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल करना है। अगर आप वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो वर्चुअल मशीन के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी बताया था। और आप चाहते हो कि खुद अपना कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल देनी है और आपको लिनक्स ही यूज़ करना है, तो वो भी मैंने बताया था।
कुछ नहीं करना है आपको, बूटेबल पेन ड्राइव बनाइए या फिर आपके पास एल डी वी डी है लिनक्स की, तो कंप्यूटर को पूरा बंद कर दो, बूटेबल पेन ड्राइव लगाओ और बूट करवाओ। ओके, लेकिन बूट करने से पहले जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फॉलो करो। और उससे भी मेन इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ कि अपनी हार्ड डिस्क का पूरा डेटा जो है किसी और दूसरे हार्ड डिस्क में स्टोर कर दो, या तो फिर कोई और पेन ड्राइव के अंदर स्टोर कर दो, जिससे कि आपका डेटा पूरा लूज ना हो, ख़राब ना हो। कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये तो यहाँ पर आप ये जो वीडियो का फर्स्ट बेसिक ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मतलब बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, और बेसिक से मैं सिखाने वाला हूँ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है, इसको किस तरह से समझना है। ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने ये जो है ये डेस्कटॉप कहलाता है। मैंने आपको विंडोज 7 के अंदर समझाया था, विंडो 8, विंडो 8.1 के अंदर समझाया था। ओके, और आप देख सकते हो कि सामने एक टास्क बार है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या होता था कि टास्क बार नीचे दिया होता था, यहाँ पर टास्क बार जो है उसी तरह से यहाँ पर ये ऊपर दिया गया है। यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए ओपन टर्मिनल, जिस तरह से कहते हैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट, एक तरह का इसका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसी तरह से इसका एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इसको आप फिलहाल बाद में समझिएगा। न्यू फोल्डर है, देख सकते हो कि मुझे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो फोल्डर इस तरह से यहाँ पर माइक्रो यहाँ पर लिनक्स के अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर और फोल्डर का कोई नाम दे देते हैं यहाँ पर कि माई फोल्डर, इस तरह से आपको नाम देना है। यहाँ पर ये आपका फोल्डर हो गया क्रिएट, लेकिन फोल्डर कहाँ पर क्रिएट हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट है, जैसे कि इसे कॉपी कर लेते हो तो पेस्ट करना था, पेस्ट पेस्ट कर सकते हो। फोल्डर के ऊपर कॉपी करोगे तो उसको ओपन करने के लिए कट कॉपी सेम ऑप्शन है। मोटो का मतलब होता है कि इस फोल्डर को किसी और फोल्डर के अंदर मूव करना है, या कॉपी करना है, या मेक लिंक, इसका लिंक क्रिएट करना है। देख सकते हो कि लिंक मतलब एक तरह का शॉर्टकट क्रिएट हो गया यहाँ पर, तो ये इसको लिंक कहते हैं। इसको रिसाइज आइकॉन, मतलब इसका आइकॉन जो है, यहाँ पर मैंने कहा था कि एक आइकॉन जो है इसका बढ़ाना है, छोटा करना है, तो एक फोल्डर का इस तरह से आपको इस तरह से सेटअप करने को मिलेगा कि कितना बड़ा फोल्डर करना है, छोटा करना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इस तरह से नहीं होता है यहाँ पर। ओके, जैसे तो ये छोटा फोल्डर हो गया, और प्लस यहाँ पर इसके अंदर ईमेल सेटअप कंप्रेस करना है, मतलब इसकी शायद मान लो कि 15 MB की है, तो मैं कंप्रेस करूँगा तो 5 MB की हो जाएगी। तो कंप्रेस के लिए अब यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा और आपको ये टार जेड वो वन बाय वन बताऊँगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाए, ओपन टर्मिनल मतलब इसके टर्मिनल के अंदर ओपन करोगे फोल्डर को, तो ये माय फोल्डर है, हम माय फोल्डर के अंदर है। ओके, तो टर्मिनल के बाद में बात बताऊंगा यहाँ पर। ओके, और चे यहाँ पर आपको फोल्डर के ऊपर ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाओगे, देख सकते हो कि यहाँ पर इसका नाम है माय फोल्डर, टाइप कौन सा है फोल्डर है, और ये इनोड डायरेक्टरी है, कंटेंट नथिंग कुछ भी अंदर है नहीं, और ये लोकेशन कौन से लोकेशन पर है, रूट फोल्डर, रूट यूज़र के अंदर, रूट यूज़र के अंदर डेस्कटॉप एरिया के अंदर है, डेस्कटॉप के लोकेशन के ऊपर है, ठीक है, ये लोकेशन है। और फ्री फ्रेस यहाँ पर बताया गया है 4.87 GB, मतलब हार्ड डिस्क की। तो जैसे कि इसका परमिशन है ओनर, इसका इस फोल्डर को यूज़ करने वाला कौन सा यूज़र है, रूट यूज़र है। ओके, अगर आप देखोगे इसको क्लिक क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको ये अलग अलग सिस्टम्स मिलेगी। ओके,
और उसका ग्रुप है रूट है, मतलब इसका ग्रुप भी मैंने कहा था कि ग्रुप क्या होता है कि आप चाहती हो कि एक कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर का एक ग्रुप बनाते हो एक ही सिस्टम के, जिसको कहते हैं ग्रुप। एक ही फोल्डर को दूसरे और फोल्डर में कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रुप। ओके, तो ये फोल्डर का हो क्या हुआ, एक ग्रुप बना यहाँ पर। ओके, तो ये ग्रुप होता है यहाँ पर। ओके, और एक्सेस फाइल, कुछ फाइल को एक्सेस करने के लिए एक्सेस फाइल्स होते हैं यहाँ पर, और कुछ दूसरे तरह के की भी परमिशंस वगैरह होती है यहाँ पर, इसको एक्सेस फाइल करनी है या फिर नहीं करने देनी है। ये एक सिस्टम होता है यहाँ पर। परमिशन को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस फोल्डर को रीड करें या तो फिर इसको एक्सेस डिनाय करना है या फिर इसको कोई चेंज ना कर पाए तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ये ग्राफिक्स की तरफ से हुआ, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़ करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही आप मतलब इसका टर्मिनल, इसको टर्मिनल को कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं या फिर टर्मिनल को। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं उसी तरह से, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ग्राफिक्स समझाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा टर्मिनल की प्रैक्टिस। ओके, तो ये जो यहाँ पर देख सकते हो कि एक मैंने फोल्डर को बता दिया। अब बात करते हैं ट्रेस की, जिस तरह से हमारे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 रिसाइकल बिन होता है यहाँ पर। ओके, रिसाइकल बिन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि कोई भी मैं फाइल या फोल्डर डिलीट कर लेता हूँ तो वो डायरेक्टली जल्दी ऑपरे सिस्टम नहीं होने देगा, उसका एक टेम्पररी जगह होती है, वहाँ पर ये क्या करेगा, ट्रेस में चल मतलब रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हो, विंडो 8.1, विंडो 10 यूज़ करते हो, उसी तरह से वही फैसिलिटीज़ यहाँ पर लिनक्स के अंदर भी है। ओके, तो विंडोज 10 के अंदर कौन सी कॉपी हुई थी यहाँ पर लिनक्स की, कह सकते हो कि यहाँ पर मैं पहले फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और कौन सी कॉपी की थी विंडो 10 की यहाँ पर, और दूसरी जगह पर मैं ओपन कर लेता हूँ कुछ हेल्प वगैरह, यहाँ पर कुछ नहीं अलग अलग विंडो ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये विंडो मैंने ओपन कर ली और ये भी मैंने ओपन कर ली। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1/4 मतलब पहला वर्क पेज पर मैं क्लिक किया, अब दूसरे वर्क पेज पर जैसे जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हो कि वो रिमूव मीन्स चला गया। तो यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंटेशन मैंने इंटर कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ और अलग तरह का मैं इंटर कर लेता हूँ, कुछ होम डॉक्यूमेंट है, कुछ ग्राफिक्स वगैरह मैं इंटर कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ कि ऑफिस के अंदर कुछ साउंड वगैरह, फायरवॉल यहाँ पर उसका ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने फायरवॉल ओपन कर लिया यहाँ पर, कुछ इस सिस्टम इंटर कर लिया, और देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसको 1 पे ले जाता हूँ तो वो पुराना वाला मैंने ओपन किया था। तो यहीं से माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो 10 था उसके अंदर डेस्कटॉप, मल्टीपल डेस्कटॉप करके एक आप देखोगे राइट साइड टास्क व्यूअर करके, ये एक तरह का लिनक्स का ही कॉपी किया हुआ एक फीचर है। जब विंडोज 8.1 आया था तभी विंडोज यहाँ पर तय कर लिया था कि विंडो 10 के अंदर भी इस तरह का आएगा एक फीचर। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले विंडो 7 के अंदर देखोगे कि यहाँ पर विंडो 8 या विंडो 8.1 में देखोगे तो इस तरह का कोई भी यहाँ पर नहीं था डबल टास्क व्यूअर करके यहाँ पर कि मल्टीपल आप डेस्कटॉप ओपन कर सको दो यहाँ पर। ओके, तो दूसरी तरफ से मैं बात करूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का 5.0 मीन्स रेड हैट लिनक्स का 5.0, 6.0 और 7.0 के अंदर आपको ये वर्क स्पेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये मुझे मान लो कि मुझे इस जगह पर पहले मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, दूसरी जगह पर मल्टीपल दूसरा विंडोज़ के अंदर काम करना है, मुझे वर्क प्लेस चेंज करता रहूँगा, तीसरे वर्क प्लेस के अंदर आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मिनिमम 4 वर्क प्लेस एंटर हो हुए हैं यहाँ पर। आप चाहते हो कि कुछ और सेटिंग्स वगैरह
आप कर सकते हो, लेकिन द मिनिमम 4 वर्क स्पेस एंटर किए हैं यहाँ पर। ओके, तो ये रेड लिनक्स का एक ये सिस्टम है, तो मैं फिर से वही मैं बताऊंगा कि ये वर्क स्पेस वगैरह यहाँ पर सिस्टम क्यों एंटर किया है, क्योंकि अगर आप कोई मल्टीपल वर्क करना चाहते हो, ओके, कि बहुत ही वर्क आपका हार मीन्स बहुत ही लोड है आपके ऊपर, तो पहले अंदर 2-3 सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, फिर दूसरे वर्क स्पेस पर आओगे तो दूसरे 2-3 सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, तो इसमें क्या होता है कि आपका काम आपका टास्क जो होता है वो जल्दी होता है यहाँ पर। तो यही यहाँ पर विंडोज 10 ने विंडोज 7 के मीन्स विंडोज लिनक्स 7.0 आने के बाद उन्होंने ये कॉपी किया था और विंडोज 10 के अंदर नया फीचर आया था। बल्कि यहाँ पर देखो कि विंडोज 7 विंडोज 8 विंडोज 8.1 के अंदर इस तरह की कोई फीचर सिस्टम नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरी वॉच है यहाँ पर। ओके मीन्स यहाँ पर मैंने कहा था कि डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम देख सकते हो कि टुडे और टुमारो वगैरह। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम देख सकते हो कि वेडनेसडे सितंबर 29 और 2021 है। ओके, और आज बुधवार यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओपन कैलेंडर पर क्लिक करोगे तो इसका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो कि एक कैलेंडर ओपन होगा यहाँ पर देख सकते हो, और एक कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस जो है उसकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। और आप इसके अंदर ये बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर यू कहो कि एक तरह का न्यू इवेंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ सर्विस स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, जब तक कि सर्विस स्टार्ट होती है तब तक मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे सिस्टम वगैरह जो है, जैसे कि यहाँ पर जैसे देखिए अभी तो कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, डिटेल्स वगैरह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि स्टार्टेड एज ए रूट। ओके, क्लोज कर लेता हूँ, तो अभी तो ये इसको मैं बंद कर लेता हूँ, तो अभी ये एंटर नहीं होगा। अगर न्यू इवेंट क्रिएट करना चाहते हो वैसे ही जैसे कि कंट्रोल पैनल के अंदर मैं टास्क व्यूअर बताया था, उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। ओपन क्लॉक्स देख सकते हो कि यहाँ पर एक वॉच होती है, अलार्म सेट कर सकते हो, स्टॉप वॉच जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टॉप वॉच होती है यहाँ पर, उसके लैप होते हैं, फर्स्ट लैप, सेकंड लैप, थर्ड लैप। ओके, तो मैं स्टॉप करता हूँ, रिसेट कर लेता हूँ, तो पूरा ऐसे टाइमर सेट कर सकते हो कि जिस तरह से आप टाइमर वगैरह यहाँ पर सेटअप कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है, और टाइमर बढ़ा भी सकते हो। ओके, 1 घंटे का, 2 घंटे का, इस तरह का तो टाइमर वगैरह है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आपने देखा होगा कि न्यू आपको चाहिए क्लॉक, तो आप सर्च कर सकते हो सिटी को, जैसे कि मैं न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, तो देख सकते हो कि यहाँ से न्यू मोस्ट देख सकते हो यहाँ पर। और मैं जैसे ऐड कर लेता हूँ तो कुछ मुझे बता रहा है यहाँ पर कि ओपन क्लॉक के अंदर, तो वो एंटर हो जाएगा। ओके, ये टास्क यहाँ पर जो भी मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया है यहाँ पर बताएगा। तो ये ज़्यादातर आप अलार्म सेट करना चाहते हो तो अलार्म सेट कर सकते हो यहाँ पर, ये अलार्म है, और ये अलार्म कितने टाइम, संडे चाहिए, मंडे चाहिए, या सभी डेट के अंदर चाहिए, तो आप एंटर कर सकते हो। और ये टाइमिंग जो है ये 24 आवर्स 15 आवर्स 39 मिनट, और एक्टिव है या नहीं एक्टिव करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो। स्टॉप वॉच वगैरह बता दिया मैंने आपको, तो ये यहाँ पर डेट एंड टाइम सेटिंग से टाइम और डेट का सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। आप ध्यान से देखिए कि ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट करोगे तो वो सेटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। ओके मीन्स जैसे तो कि जैसे मैंने ऑन किया तो ये जैसे ही इंटरनेट एक्सेस करेगा तो डेट एंड टाइम को ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा, ऑटोमेटिक टाइम जोन तो ऑटोमेटिकली टाइम जोन भी सेटअप कर लेगा। ओके, और चाहते हो कि टाइम जोन को आप अपनी तरीके से सेटअप करो तो इसको ऑफ करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको मैप ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो मैंने पहले से मैप ढूंढ कर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया अपना इंडिया का, और ज़्यादातर ये कोलकाता का लिनक्स के अंदर ले लेता है यहाँ पर। ओके,
और कुछ जगह पर दिल्ली यहाँ पे लिखा होगा। ऑटोमेटिक टाइम जोन यहाँ पर रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो इंटरनेट एक्सेस को भी आप ऑन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये कस्टम चला जाएगा। मतलब ये दो ऑन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी इंटरनेट कनेक्ट आप करोगे अपने लिनक्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और 24 आवर्स की जगह देख सकते कि 15 यहाँ पर 24 आवर्स मीन्स AM PM, तो 3:41 AM हुआ यहाँ पर। ओके, इस तरह से PM हुआ यहाँ पर। आप देख सकते हो कि ये सेटअप हो चुका है यहाँ पर। आप इसके अंदर से आप इस तरह से कैलेंडर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी तो आपको पता चल गया। अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कि ये साउंड है। ओके, और ये वायर मीन्स नेटवर्क का सिस्टम है यहाँ पर। देख सकते हो कि वायर सेटिंग इंटरनेट को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ है। मैं इसको समझाऊंगा वन बाय वन। यहाँ पर दो तरह के आप सेटअप कर सकते हो। पहले तो टर्मिनल के थ्रू भी आप सेटअप कर सकते हो। ओके, और आप सेटअप कर सकते हो वायर के सिस्टम मीन ग्राफिक के थ्रू। तो पहले मैं ग्राफिक्स के थ्रू बताऊंगा। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते कि रूट है हमारा, यूज़र है। ओके, अगर आप चाहते हो कि रूट की जगह कोई और दूसरा मेरा यूज़र सेटअप करना है, जैसे कि मैं लोकल यूज़र से यहाँ पर स्टार्ट करूँ, तो मैं स्विच यूज़र करूँगा और माई यूज़र वन जैसे कि मैंने कहा। और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना पुराना पासवर्ड। तो अभी तो मैंने कुछ पासवर्ड, ओके, मैंने पासवर्ड ये दिया था। ओके, तो ये देख सकते हो कि लोकल यूज़र मेरा एंटर हो चुका है। और देख सकते हो कि ये लोकल यूज़र, ओके, स्टार्ट हो चुका है। तो ये लोकल यूज़र है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रूट नहीं बताएगा माई यूज़र वन। और ये यहाँ पर पहली बार मैं लॉगिन हुआ हूँ अपने लोकल यूज़र से, तो वही सेम माँ आएगा। ओके, और ये सेटअप किया मैंने यहाँ पर। ओके, तो ये लोकल यूज़र वगैरह स्टार्ट है यहाँ पर। ओके, अगर कोई भी आप विंडो ओपन करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये लोकल यूज़र है। यहाँ पर ओपन टर्मिनल करूँगा तो ये लोकल यूज़र ही बताएगा, रूट लिखा नहीं आएगा। ओके, तो ये मेरा यूज़र नेम है, @localhost, मतलब लोकल कंप्यूटर है मेरा, अभी सर्वर इसको नहीं बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर माई यूज़र वन यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहाँ पर इस तरह से। ओके, इसको लॉग आउट कर सकता हूँ यहाँ पर, जिससे से हम विंडोज 7 के अंदर लॉग आउट करते हैं इस तरह से। यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर लॉग आउट कर लेता हूँ। जैसे ही लॉग आउट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे बताएगा कि थोड़ा टाइम, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है। ओके, आपके अंदर जो वर्चुअल मशीन होगी अच्छी होगी, आपने सेटअप किया होगा रैम वगैरह, तो आप अच्छी तरह से सेटअप करोगे। तो ये कम्प्लीटली हो चुका है यहाँ पर, और वर्चुअल मशीन के अंदर से थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर। ओके, तो ये अभी तो आप देख सकते हो कि मैंने लॉग आउट कर लिया है यहाँ पर। तो मैंने फिर से रूट के साथ लॉग इन कर लिया है। ओके, फिर यहाँ पर देखोगे कि सेटिंग से यहाँ पर, तो जिस तरह से आपका जो हमारा यू कहो कि एक कंट्रोल पैनल ही है छोटा सा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही, लेकिन ये बहुत ही छोटा एक कंट्रोल पैनल है। इसको मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा लिनक्स के अंदर। ओके, तो ये एक कंट्रोल पैनल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का 7 का। और आप देख सकते हो कि मुझे इसको लॉक करना है, तो लॉक यहाँ से कर लूँगा। मुझे शटडाउन करना है, तो रिस्टार्ट और पावर ऑफ और कैंसिल, ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर। तो पावर ऑफ मतलब पूरा कंप्यूटर बंद कर देना है, रिस्टार्ट मतलब फिर से कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होकर बंद होकर फिर से स्टार्ट होगा। और कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे और समझाना है आपको। तो ये हुआ हमारा, ये राइट साइड का है ये सब कुछ। ओके, और ये टास्क मैनेजर ही है। आप बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो देखिए कि यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत सारी आपको मिलेगी। ओके, ये एप्लीकेशन लिनक्स, रेड हैट लिनक्स ने ही एंटर की है,
और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट के अंदर ही एंटर होती है। इसकी सारी कैटेगरीज यहाँ पर जैसे तो अलग अलग मिलेगी, फेवरेट है, एसेसरीज है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट सिस्टम के लिए है, ग्राफिक्स के लिए अलग है, इंटरनेट के लिए अलग है, ऑफिस के लिए अलग है, और साउंड एंड वीडियो के लिए अलग। यहाँ पर संडे, यहाँ पर सिस्टम टूल्स, यूनिवर्सल एक्सेस के लिए यूटिलिटीज वगैरह यहाँ पर है, और दूसरे भी और कुछ यहाँ पर एंटर है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको प्लेसेस में आपको जिस तरह से माई कंप्यूटर के अंदर होम, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड फोल्डर होता है, म्यूजिक फोल्डर होता है, पिक्चर होता है, वीडियो होता है, उस तरह से ये अलग अलग यहाँ पर फोल्डर्स होते हैं यहाँ पर। ओके, और जिस तरह से हमारा माई कंप्यूटर होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरह से यहाँ पर भी कंप्यूटर है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सा एक फाइल का एक डेटा ओपन होगा, तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, तो कोई भी विंडो हो आप देख सकते हो कि ये मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है। मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज हो जाएगा और फिर से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ओके, और फिर मैक्सिमाइज करोगे इस तरह से, इसको क्लोज करना है, क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हो। इसको मैं इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ और ऊपर की तो ले लेता हूँ, तो ये इस तरह से यहाँ पर बताया देगा। लेकिन इसको इस तरह से यूँ ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि साइड पर ब्लू थोड़ा सा आएगा, हो जाएगा। इसको मैं लेफ्ट साइड करके यूँ ले लेता हूँ यहाँ पर, तीसरे से लेफ्ट साइड सेटअप हो जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर यूँ ले जाता हूँ तो इस तरह से सेटअप हो जाएगा, तो ये अलग अलग आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर तो जैसे कंप्यूटर पर क्लिक करता हो, तो यहाँ पर जैसे कि बीन है, बूट है, डेव है, ETC है, होम है, लिब है, lib64 है, मीडिया है, MNT है, OPT है, proc है, root है, run है, sbin है, srv है, sys है, temporary है, user है, var है। ये जितने भी फोल्डर है, ओके, ये जितने भी फोल्डर है, ये एक इम्पोर्टेंट ऑफ लिनक्स की डेटाबेस, मीन्स लिनक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर। और दूसरा कि आप देखोगे कि यहाँ पर होम के लिए अलग सा जो होम फोल्डर है, इसके अंदर अलग से डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर मिलेगा। जैसे देखिए डेस्कटॉप के अंदर मैंने कौन सी फोल्डर बनाई थी, माय फोल्डर करके और लिंक टू, तो ये बता डेस्कटॉप के अंदर। ओके, और डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इस तरह से मिलेगा, डाउनलोड कोई फाइल की है अपने माइक फायरफॉक्स के थ्रू, तो यहाँ पर मिलेगा। आपके म्यूजिक स्टोर के तो म्यूजिक मिलेगा, पिक्चर की है तो पिक्चर, वीडियो की है तो वीडियो। ट्रेस मैंने बताया था कि क्या होता है, एक रिसाइकल बिन की तरह होता है कि जो भी आप डिलीट करोगे तो डिलीट डायरेक्टली नहीं होगा, टेम्पररी एक जिसकी जगह होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क के अंदर स्टोर हो जाएगा ताकि आप फिर से रिकवर कर सके। लेकिन इसके अंदर से डिलीट कर दिया तो परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाएगी। ओके, और कंप्यूटर में जिस तरह से कहा सकते हो यहाँ पर, इसको जब राइट क्लिक करता है तो ओपन करने को मिलेगा, ओपन न्यू टैब के अंदर मिलेगा, ओपन न्यू विंडो के अंदर, और प्रॉपर्टीज पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये जो है थोड़ा सा मुझे बताएगा कि कितना इसका डेटा यूज है या कितना डेटा जो है वो यहाँ पर फ्री है, और कितनी आइटम्स वगैरह है देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है यहाँ पर। ओके, तो कंटेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर डेटा कितना है, मीन्स फाइल कितनी है, फोल्डर कितने हैं, सब कुछ बताएगा एक साथ पूरा गिनकर। तो देख सकते हो कि ये मुझे बता रहा है यहाँ पर, तो 1 लाख से भी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, 1 by 1 कैलकुलेशन हो रही है। और भी ये लोअर टाइप ऑफ प्रोसेस चल रही है यहाँ पर। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये एक सिस्टम है यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, और कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर टोटली 4.5। ये रूट और फोल्डर के अंदर आपको ये मिलेगा। ओके, और जो यूज़ हुआ है यहाँ पर 5.1 GB ही यूज हुआ है यहाँ पर, 4.6 GB फ्री है। ओके, तो हार्ड डिस्क का मेन कितना यूज हुआ है ऊपर सिस्टम वो भी बताऊंगा 1 by 1 करके। ब्राउज नेटवर्क क्या होता है, कनेक्ट टू सर्वर क्या होता है, कि अगर आपने
सर्वर के साथ और भी कुछ एंटर करना है, विंडोज़ के नेटवर्क के साथ विंडोज़ को कनेक्ट करना है तब एंटर कर सकते हो। और कुछ ऐसे सर्वर होते हैं जो सब सर्वर होते हैं, जिसको सर्वर के साथ दूसरे सर्वर कनेक्ट करना है तो कर सकते हो। तो आपको पता चल गया कि होम क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसको मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन अ न्यू टाइप ऑफ प्लेसेस रिलेटेड डिटेल। ओके, डिटेल के साथ मैं प्लेसेस समझाऊंगा। ओके, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले आपको यूट्यूब की तरफ से, और कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर दे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन न्यू टाइप ऑफ प्लेसेस रिलेटेड। ओके, प्लेसेस रिलेटेड आप मैं क्रिएट करूँगा एक इम्पोर्टेंट वीडियो इसके अंदर। ओके, नया वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पूरा प्लेस भी डिटेल में समझाऊंगा। ओके, और इम्पोर्टेंट है ये, तो मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। तो थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको, जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर, हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है, तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।